मुंगेर की रहने वाली व शिवान परिवार न्यायालय में तैनात महिला पुलिस कांस्टेबल स्नेहा की मौत का सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुंगेर के नवागढ़ी NH-80 मार्ग पर मशाल जुलूस के साथ युवाओं ने किया प्रदर्शन। जी हां, आपको बताते चले, शिवान पुलिस द्वारा स्नेहा का शव बदले जाने और मुंगेर पुलिस के द्वारा सड़क जाम के दौरान 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में नवागढ़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने रविवार की देर शाम कैंडल मार्च निकालकर NH-80 सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिवान एवं मुंगेर पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। नवागढ़ी काली मंदिर से कैंडल मार्च स्नेहा के पिता विवेकानंद मंडल के नेतृत्व में निकाला गया, जो साईं बाबा मंदिर तक गई, जहां स्नेहा की बहन कविता कुमारी, मां बेबी देवी, भाई छोटू कुमार व स्थानीय विधायक, राजद जिला अध्यक्ष, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। वहीं स्थानीय विधायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया, स्नेहा की रहस्यमयी मौत में पुलिस के आला अफसर के साथ साथ सफेदपोश नेताओं का भी हाथ है, जिसकी जाँच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। मुंगेर से गौरव कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। नया नहीं है, छुट्टी पर वो गए नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें उच्च स्तरीय साजिश है। एसपी छुट्टी में नहीं गया, एसपी को मेरा तो मानना है कि हाई लेवल से एसपी को दबाव डाल के छुट्टी में भेजा गया। जहां डीजीपी रोज थाना का निरीक्षण खुद से करते हैं, इतने बड़े मामले में उन्हें अपडेट नहीं, हाँ, क्या कहती है सरकार? हमको भी जानकारी हुई कि डीजीपी कहते का कहना हुआ कल रात वो मुजफ्फरपुर में घूम रहे थे, मामला मेरे संज्ञान में नहीं है जी। ये अब आप लोग फैसला कीजिए कि यही सुशासन की सरकार है। सरकार के खिलाफ आप क्या कदम उठाएंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी? सरकार के खिलाफ हम लोग, हम पार्टी नहीं, हम लोग तो चाहेंगे कि जितने भी दल हैं, दलीय सर्वदलीय जो हम लोगों के साथ हैं, उन सब के साथ मिल के हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है। और न्याय में सिर्फ यही कहना है कि हमको सही जानकारी मिले कि घटना है क्या, दूसरा स्नेहा का लाश क्या हुआ, लाश लापता है। अगर फांसी लगाएगा आदमी तो ऐसा छत बिछत तो चेहरा नहीं हो जाएगा कि लोग पहचान नहीं सकेगा। इसलिए जितना भी मामला है सब संदेह के दायरे में है, और इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि इसमें जब जांच होगी तो जब पर्दा जब हटेगा तो बहुत से सफेदपोश इसमें रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।